नमस्कार, वेलकम टू कबड्डी अड्डा। प्रो कबड्डी सीजन 6 का सातवां दिन और पहला मैच, तेलुगु टाइटंस ने एक बेहतरीन अटैक और डिफेंस के तालमेल दिखाए। जहां एक तरफ राहुल चौधरी नीलेश आलुंकी के साथ रेड पॉइंट्स इकट्ठे कर रहे थे, वहीं अबोजर मेघानी और विशाल भारद्वाज टैकल पॉइंट्स, जिसका नतीजा है लगातार दूसरा मैच जीतकर तेलुगु टाइटंस जोन बी में अंक तालिका में 10 पॉइंट्स के साथ प्रथम स्थान पे है। अपने पहले ही रेड में राहुल चौधरी ने बोनस पॉइंट स्कोर किया और यूपी योद्धा अपना पहला पॉइंट चौथे मिनट में स्कोर कर पाई। उसके बाद के 10 मिनट में यूपी के रेडरों ने कुछ पॉइंट्स इकट्ठे किए, वहीं सागर बी कृष्णा और नीतेश ने भी कुछ टैकल पॉइंट्स इकट्ठे किए, पर 14वें मिनट में तेलुगु टाइटन्स ने लीड ले लिया। हालांकि 19वें मिनट में रिशांक देवाड़ीकर के 2 पॉइंट रेड ने पॉइंट डिफरेंस को थोड़ा कम किया, पर उसी मिनट अबोजर मिघानी के शानदार टैकल ने रिशांक देवाड़ीगा को बेंच पे बिठा दिया और हाफ टाइम का स्कोर रहा 18-13। यूपी योद्धा हाफ टाइम के बाद भी स्कोर डिफरेंस को कम नहीं कर सकी। तेलुगु टाइटंस के रेडरों ने रिशांक देवाड़ीगा को ज्यादा देर तक मैट पे टिकने नहीं दिया। वहीं यूपी योद्धा के सेकंड रेडर श्रीकांत यादव भी कोई कमाल नहीं दिखा पाए और अंतिम स्कोर रहा 34-29। प्लेयर्स की बात करें तो ईरानी प्लेयर्स अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और एक बार फिर अबोजर मिघानी ने राइट कॉर्नर में अपनी बादशाहियत साबित की। वहीं नीलेश शालुंके ने क्रूशियल मोमेंट्स पे रेड पॉइंट्स लाके अपने आप को मुश्किल क्षणों में काम आने वाला एक महत्वपूर्ण रेडर साबित किया। स्किल्स की बात करें तो अबोजर मिघानी के टैकल्स बेहतरीन रहे। उनके द्वारा किए गए एंकल होल्ड, डबल थाई होल्ड अथवा डाइविंग एंकल होल्ड अव्वल दर्जे के थे। वहीं विशाल भारद्वाज के एंकल होल्ड भी काबिले तारीफ थे। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए और नए वीडियोस अपलोड नोटिफिकेशन के लिए बेल प्रेस कीजिए।